वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ पोहा की सॉफ्ट और स्पॉन्जी डोसा। तो चलिए बिना देर किए हुए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक मिक्सी का जार ली हूँ, इसमें मैं एक कटोरी पोहा डाली हूँ। आप अपने अनुसार पोहा ले सकते हैं। और मैं आधा कटोरी रवा डाली हूँ। अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। तो मैं इसे ग्राइंड कर ली हूँ, इस तरह का पाउडर बना लेना है। अब मैं एक मिक्सिंग बाउल ली हूँ और इसमें मैं ये पाउडर को ट्रांसफ़र कर देती हूँ। और इस पाउडर में मैं अब एक कटोरी दही डाल रही हूँ। ये दही पतला है इसलिए मैं एक कटोरी डाली हूँ। और इसे अच्छी तरह से मिला देती हूँ। इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाली हूँ। पानी एक बार में ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालना है। इसका स्मूथ बैटर तैयार करना है। देखिए बैटर बनकर तैयार है, इस तरह का बैटर तैयार करना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा इनो डाली हूँ और इनो के ऊपर मैं थोड़ा सा पानी डाली हूँ, जिससे कि रवा और पोहा अच्छी तरह से फूल जाएगा। इसको मिला दी हूँ। अब मैं एक फ्राई पैन में तेल गरम की हूँ, उसमें मैं पोहा को डाल दी हूँ। एक तरफ से पोहा हो गया है तो मैं इसको पलट दी हूँ और इसको निकाल ली हूँ मैं फैन पैन से। अब मैं दूसरा पोहा डाली हूँ, ये भी इसको ही पलट दी हूँ और ये भी लाल हो गया है तो मैं इसको बाहर निकाल ली हूँ। तो इस तरह मैं यहाँ पर दो पोहा तैयार कर ली हूँ। अब मैं यहाँ पर तीन पोहा बनाई हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी।